मध्य प्रदेश के सिंगरौली अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में सामाजिक आर्थिक एवं संविधान पर चर्चा हेतु सर्किट हाउस में बैठक रखी। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्रों पर फूल माला व श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की गई। इस दौरान मुख्य रूप से मध्य प्रदेश मुस्लिम पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष रियाज व जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी जिला अध्यक्ष अधिवक्ता हुसैन हसन सिद्दीकी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भारतीय संविधान के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। बोली संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। 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 उन्होंने कहा कि हम सभी संगठित होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बनाए हुए भारतीय संविधान की रक्षा करते हुए अपने समाज एवं देश के लिए समर्पित रहेंगे और जरूरत पड़ी तो भारतीय संविधान की रक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। इस अवसर पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सिंगरौली से अनिल दुबे की रिपोर्ट।